आज तक याद है कि एक हमारे कॉमन ब्यूरोक्रेट दोस्त थे जी। जिनकी वालिद या वालदा का मेहर फौत हो गई, तो मैं वहाँ गया, कुल्लों पे गया, तो इमरान खान भी आके बैठ गए जी। तो मैं बड़ा हैरान था क्योंकि ये जाते नहीं थे, ना शादियाँ भी इतनी नहीं अटेंड करते थे और फौतगियाँ भी इतनी नहीं अटेंड करते थे। अभी भी नहीं करते, आपको पता ही है, आपके बेस्ट फ्रेंड की फौतगी पे नईम उल हक नहीं गए, अफसोस करने नहीं गए, अफसोस करने के लिए उनको बुलाया गया, उनकी फैमिली को। मगर तो अब यह बात यह है कि मैंने कहा, और मेरे साथ आके बैठ गए। अब वो जब ख़त्म हुई तो मैंने पूछा, मैंने कहा ये बताओ ये जमाइमा इज़ फिनिश्ड, उस वक्त ये चल रहा था ऐसे ऐसे। अच्छा। तो मैंने कहा इट्स ओवर, बड़े तरीके से मैंने पूछा, मैंने कहा इमरान इज इट ओवर विद जमाइमा, इधर या आर वी हैविंग प्रॉब्लम्स। ओके। मैंने कहा इससे ज़्यादा ये बात नहीं करना चाहते, मगर उन्होंने बता ही दिया कि प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, छोड़ दी बात। ठीक है, ठीक, मगर प्रॉब्लम्स इनके शुरू हो गए थे। इन्होंने फिर मुझे कहा कि वो कॉलम क्यों नहीं बंद करते थे, और इन्होंने सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किए। अच्छा। मुझे अभी तक याद है, वो शॉक्ड, मुझे कहते हैं नजम यार व्हाई डू यू हेट मी, आई सेड व्हाट आई हेट यू, दैट्स नॉट ट्रू इमरान, बिल्कुल ऐसे मैंने कहा इमरान दैट्स नॉट ट्रू। कहने लगे नहीं यार वो तुम यू नो यू दैट कॉलम वो बड़ा वो, मैंने कहा अगेन, मैंने कहा इमरान ये बड़े लोगों के बारे में ये कॉलम होता है, ये छोटे लोगों के बारे में, यू फॉरगेट इट। अच्छा। फॉरगेट इट एंड आई स्वेयर टू यू देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ हेटिंग यू, यू आर पार्टली माय हीरो, आई मीन यू नो हीरोइक प्रोपोर्शंस, क्या आप बात कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा और नहीं यार तो बात छोड़ दी फिर। बात आगे बढ़ा। मैं हमेशा ही थिंक्स के आई हेट हिम, आई डोंट हेट हिम एट ऑल, परहैप्स उसको पर्सनल ले जाते हो। वो कह रहा था कि इस कॉलम को बंद करें। हाँ। फिर एक दिन क्या हुआ कि 2013 की इलेक्शन होनी थी, 2012 की बात है, तो मैं इंटरव्यूज कर रहा था बड़े बड़े लोगों के, वन ऑन वन, जैसे तुम मेरी करती हो उस वक्त मैं करता था। अच्छा। तो मुझे किसी ने कहा इमरान की भी तो करो। मैंने कहा यार वो आजकल नाराज़ है मेरे से, तो वो ये कॉलम हम बंद नहीं कर रहे, तो पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। उन्होंने कहा करो तो सी ट्राई। अच्छा। मैंने शफकत महमूद को कहा, मेरी बड़ी दोस्ती थी, मैंने कहा शफकत यार इमरान को लाओ ना, आई डू एन इंटरव्यू। कहने लगा यार तुम गड़बड़ कर दोगे, तो जिन्हों पता उसका पारा चढ़ जाएगा। तो मैंने कहा यू अश्योर हिम, अच्छा मेरी तरफ से एश्योरेंस दो कि आई विल नॉट डू एनी गड़बड़, आई विल गिव हिम अ चांस, जो वो बोलना चाहते हैं कहें। तो जनाब शफकत आ गया कि मैंने मना लिया, वो आ रहे हैं। ओके। तो इमरान खान साहब आ गए और मैंने उनकी इंटरव्यू की। ठीक जी। एक इंटरव्यू 45 मिनट की होनी थी, वो 1.5 घंटा 2 घंटे चली। अच्छा। और इंटरेस्टिंग और वो दो पार्ट्स में हमने कर दी। ठीक है। जब वो शाया हुई तो वो हिट हो गई, स्पेशली विद पीटीआई के लोग, राइट, उन्होंने बड़ी पसंद की। और मुझे इमरान का SMS मैसेज आया जी कि द इंटरव्यू वाज ब्रिलियंट। तो जाहिर है आपने उसमें खुश थे बड़े। ठीक है। कुछ थोड़े बहुत इमोशनल बातें भी हमने